सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी रतन इंडिया पावर को लेकर। रतन इंडिया पावर को लेकर बहुत निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत से निवेशकों के कि भी जो स्टॉक है ये नॉन स्टॉप चला, लेकिन अभी के टाइम एक दो दिन से जो ना अभी पीछे से गिरावट हो रही है स्टॉक में, तो गिरावट के पीछे क्या कारण है, क्यों टूट रहा है स्टॉक। देखो भाई, इस स्टॉक ने पहले तो आप लोग देखो कि कितने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। 8-10 रुपये के आसपास से स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया और आप लोगों देखोगे भी 19 रुपये के आसपास, 19-20 रुपये के आसपास ये पीछे आया है, तो इसमें काफ़ी शानदार रैली बनी है। ठीक है, ये तो बात आपको पता है ना भाई, आप लोग ये तो एक्सेप्ट करोगे तेजी इसमें बनी है। तो इतनी तेजी बनने के बाद मेरे को समझ में ये नहीं आता जो भाई हाई प्राइस स्टॉक में क्या सोच समझ कर पैसा लगा लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना भाई कि आप लोग किस रेंज में खरीदारी कर रहे हो, किस प्राइस में खरीदारी कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। खरीदारी हमेशा गिरावट वाले स्टॉक्स में की जाती है, जहां पर अच्छी खासी गिरावट हो या फिर जहां पर फंडामेंटल स्टॉक मजबूत हो या फिर आप लोग देखोगे आगे की जो ग्रोथ है वो उसमें देखने को मिल रही है, तो वहां से हम खरीदारी कर सकते हैं। तो इसी बीच आप लोग देखोगे, मेरे को अभी भी वो इंटरव्यू याद है संजीव भसीन जी का, जो कि आई थिंक 5 या 6 मई के आसपास आया था और उन्होंने जो ना भी शेयर के ऊपर बाय रेटिंग दी थी, और तभी से जो ये स्टॉक है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। आप लोग पीछे का जाकर इसका देख भी लेना कंटिन्यूसली, वो इंटरव्यू क्या था, क्यों चल रहा है स्टॉक, इसके ऊपर मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहता भाई, और ना ही मुझे इस तरह डिटेल में पता है कि स्टॉक में उस इंटरव्यू के बाद में तेजी बनना स्टार्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, जहां पर कंपनी ने अदर इनकम के जरिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है, अदर इनकम के जरिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है, बट पीछे के मुकाबले रिवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप रहा है भाई, ये मैं भी मानता हूँ। तो चलिए अब देख लेते भी ये जो गिरावट बन रही है, ये आप लोग देखोगे इतना तेजी के आने के बाद तो कोई प्रॉफिट तो लिया जाएगा ना, अकेले आप तो हो नहीं हो जिन्होंने आपने मान लीजिए ऊपर के भाव में खरीदा बस वहीं से स्टॉक की जर्नी स्टार्ट हुई हो, नहीं उससे पहले कहीं ना कहीं से तो आया ही है, लेकिन कहाँ से आया, कितना जो अभी दूरी तय करके आया है वो मेन चीज़ है। तो यहाँ पर स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे से चला था और बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, और ऐसे में तो भी प्रॉफिट तो लिया जाएगा, तो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही आप लोगों को सेलिंग प्रेशर है स्टॉक के ऊपर, और जितना प्रॉफिट्स के लिए आप लोग पब्लिक जाएगी प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाएगी उतना सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर बढ़ेगा और स्टॉक ऊपर से उतना ही फिसलेगा। 7 करोड़ 28 लाख के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। लेवल्स वगैरह क्या रहेंगे अभी चार्ट एनालिसिस कर सकते इस वीडियो में, और बाकी जो खबरें वगैरह वो तो कोई कुछ खास आते हुए नजर नहीं आई है। और बाकी देखो अभी पीछे के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार थे अभी जो इसके आए थे Q4 के, और 9,666 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच चुकी है कंपनी, जिसका पीई रेशियो आप लोगों देखोगे 1.1 पर है। ठीक है, और RSI MFI भी इसके ठीक ठाक है, अभी ज़्यादा हाई नहीं है, 66 RSI और 31 पर MFI है जो वॉल्यूम डिफाइन करता है, ठीक ठाक है ये तो। चलिए अब देख लेते भी इसका चार्ट वगैरह क्या कुछ बोल रहा है। 21 रुपये 10 पैसे के आसपास का इसका 52 वीक हाई है अभी जो इसने पिछले वीक में लगाया था, और उसके बाद जो स्टॉक वो कंटिन्यूसली टूट रहे हैं। तो चलिए देख लेते भी चार्ट वगैरह क्या कुछ बोल रहे हैं, कहाँ पर क्या कुछ सपोर्ट वगैरह बन सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो भी ये रैली बनना स्टार्ट हुई थी, उस रैली के बाद स्टॉक डबल टॉप के पैटर्न के साथ ऊपर से फिसल रहा है, तो कहाँ तक आ सकता है ये तो वो जानेंगे इस वीडियो में। और आप लोग देखोगे ये जो ना अभी 6-7 मई की बात थी, ये 9-10 रुपये के भाव में था और वहाँ से 100% इसने रिटर्न दिए हैं और प्रॉफिट यहाँ पर बुक किए जा रहे हैं भाई। ठीक है, और उसी टाइम आप लोग देखोगे संजीव भसीन जी का भी इसके ऊपर इंटरव्यू आया था और उन्होंने आप लोग देखोगे इसको बाय रेटिंग दी थी, जिसके बाद आप लोग स्टॉक में तेजी तो बनी ही बनी है, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से फिसल भी रहा, लेकिन अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हैं ये काफ़ी शानदार थे भी इसके, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका भी। चलिए अब देख लेते भी इसका चार्ट वगैरह वहाँ पर क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में जो अपर सर्किट ये जो सिचुएशन स्टॉक में बनी है वो आप लोग देखोगे भी 8-10 रुपये के आसपास था स्टॉक, 8-9 रुपये के आसपास वहाँ से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था और कंटिन्यूसली बीच बीच में यही तो थोड़ी बहुत आपको ये जो ना भी प्रॉफिट बुकिंग के कारण दबाव देखने को मिला होगा, बल्कि स्टॉक तो कंटिन्यूसली ऊपर ही चला है। आप लोग देख सकते हो भी एक दो दिन अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑलरेडी तो स्टॉक ऊपर चला है और अपर सर्किट स्टॉक ने दिखाया आपके सामने है, और इस प्रकार के जो रैली स्टॉक में कभी भी बने तो वो जो ना भी आप लोग संदेहपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी रिजल्ट वगैरह देखे होंगे तो रिजल्ट्स के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कि रिजल्ट्स क्यों इतना ज़्यादा जो ना भी प्रॉफिटेबल आया है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ से आप लोग स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर से फिसल रहे हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक सीधा लोअर सेगमेंट में ओपन हो रहा है, नहीं नहीं स्टॉक थोड़ा बहुत मोमेंटम देता है, ठीक है, वॉल्यूम आती है, 8-8, 10-10 करोड़ वॉल्यूम ऐसे नहीं आ रही भैया, तो स्टॉक में मोमेंटम बनते हैं, लेकिन ऊपर से तो फिसल ही रहा है। 21 रुपये से स्टॉक में जो ये गिरावट है वो हमें देखने को मिली और ये 18 रुपये की रेंज में आ गया। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 17-40 का सपोर्ट अभी, उसके बाद जो अभी नीचे में रहेगा 14 रुपये 40 पैसे का। देखो भाई, ऐसे स्टॉक्स में जो अभी सपोर्ट वगैरह निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है। अभी पीछे क्या है, कुछ मोमेंटम कहां पर स्टॉक ने टर्न लिया कहां पर नहीं, तो यहां पर आप लोग कंटिन्यू ऊपर ही आए हुए, तो अपर सर्किट पर अपर सर्किट दिखाएं, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा चार्ट एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो इन स्टॉक्स में आप लोग देखोगे अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ है, नीचे से आपने खरीदारी की हुई है, तो अपना जो कैपिटल है वो सेव कर लो, ठीक है, प्रॉफिट रहने दो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और वहीं आप लोग देखोगे भी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, गर्मियों के मौसम में पावर डिमांड हाई रहती है, उस कंडीशन में अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है तो अपना कैपिटल सेव करो और अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर रखो भाई, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ये भी स्ट्रैटेजी ठीक है। जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे, तो भाई अभी स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री के माहौल नहीं है, और बाकी आप अपनी रिसर्च वगैरह जो कुछ करे उसके हिसाब से आगे के बारे में सोच सकते हो। बाय होल्ड सेल करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक बार आपको खुद को सोच समझ कर फैसला लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।